कोरोना वायरस की कहर के बाद अब उत्तर प्रदेश में जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है। कानपुर में एक एयरफोर्स कर्मी जीका वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कुछ दिनों के बुखार के बाद जब उनकी जांच करवाई गई तो वे जीका वायरस से ग्रसित दिखे। अभी के लिए एयरफोर्स कर्मी को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं उनके सीधे कॉन्ट्रैक्ट में आए 200 लोगों को भी आइसोलेट रहने के लिए कह दिया गया है। कानपुर के सीएमओ ने भी इस बात की पुष्टि की है, साथ ही बताया है कि इलाके में फॉगिंग का भी कार्य शुरू करा दिया गया है, साथ ही मरीज की हिस्ट्री की भी जांच कराई जा रही है। कानपुर नगर में एक जीका वायरस का रोगी मिला जो एयरफोर्स कर्मी था। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने तुरंत टीमें बनाई, 10 टीमें कुल बनाकर उनके रेजिडेंशियल एरिया पर उनके वर्किंग प्लेस पर तुरंत निरोधात्मक कार्रवाई शुरू करवा दी, जिसमें हाउस टू हाउस सर्वे, लाइन लिस्टिंग और सोर्स रिडक्शन का, फॉगिंग, लार्विसाइडल स्प्रे, साफ सफाई के सभी कार्रवाई नगर निगम के सहयोग से और हमारी टीमें घर घर जाके सारी लाइन लिस्टिंग करते हुए ये सारी निरोधात्मक कार्रवाई हमने शुरू करवा दी। और कल जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट थे और जो सिम्टोमेटिक थे उनके 22 सैंपल भी लखनऊ के जीएमसी में टेस्टिंग के लिए भेज दिए। बता दें कि इससे पहले जुलाई 2021 में पहला केस केरल से सामने आया था। भारत में दस्तक देने से पहले ये वायरस दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में कहर बरपा चुका है। 2015 में ब्राजील से कुछ ऐसे बच्चों की तस्वीर सामने आई थी जिनके सिर आम बच्चों से काफी छोटे थे। इन बच्चों को माइक्रोसेफेलिया नाम की बीमारी थी जिसका कारण भी जीका वायरस ही बताया गया था। अब सवाल ये है कि जीका के लक्षण क्या है। दरअसल इसमें भी डेंगू जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं, बुखार, सरदर्द, आंखों में जलन और बदन दर्द होता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक अगर जीका के लक्षण नजर आ रहे हैं तो माइक्रोलर टेस्टिंग या एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की जा सकती है। वहीं अगर इलाज की बात की जाए तो अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक सबसे पहले डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, जमकर आराम करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए ताकि शरीर डिहाइड्रेटेड ना होने पाए। जब तक जांच में पता ना चल जाए कि डेंगू नहीं है तब तक एस्प्रिन या सूजन कम कर लेने वाली दवा नहीं लेनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक इसको लेकर कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकी है, ऐसे में बचाव ही सुरक्षा है। कानपुर से रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह, अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बन जानी, भैया ये यूपी है, यहां सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।